दस लोगों का काम नहीं। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? दो दिन हो गए। दो दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, तुम चलो। ए बका फिल्म के थिएटर रिलीज के आखिर कितने दिन बाद किया जाएगा फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज? आखिर कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म चुना है फिल्म मेकर्स ने फिल्म सूर्यवंशी के रिलीज के लिए? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। अब मेरी माने तो आने वाली सारी वीडियोस में सुनने को मिलने वाली है आप सभी को गुड न्यूज। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों फिल्म सूर्यवंशी की, और अभी तक इस फिल्म से जुड़ी बहुत सी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन आने वाले समय में आपको मिलने वाली है इस फिल्म से जुड़ी काफी अच्छी और काफी गुड अपडेट्स। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो अच्छी अपडेट्स क्या हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फिल्म की फाइनलाइज की गई रिलीज डेट, और इतना ही नहीं मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिल्म को किया जाने वाला है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कैसे रिलीज। अब चलिए फिल्म की रिलीज डेट का जिक्र हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि काफी लंबे सोच विचार के बाद फिल्म मेकर्स इस रिलीज डेट पे पहुंचे हैं। यानी कि अभी तक जो फिल्म मेकर्स के दिमाग में कंफ्यूजन थी, यानी कि वो दो डेट्स जिनके बारे में मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया है, उसके बाद फिल्म मेकर्स की कंफ्यूजन फाइनली दूर हो गई। तो आप सभी को बता दूं कि फिल्म की रिलीज डेट फाइनलाइज की गई है 13 अगस्त 2021। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म की फाइनल रिलीज डेट। अब जाइए, खुश हो जाइए और एक बार नाच के आ जाइए, क्योंकि फाइनली फिल्म की रिलीज डेट डिसाइड हो चुकी है। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि फिल्म के मेकर्स ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो बाहर जाकर मूवी देख सकते हैं, बल्कि उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं जिनके मम्मी पापा उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, जिनके मम्मी पापा ने उन्हें बोला है कि भाई घर बैठो और जो देखना है घर पर बैठकर देखो, जैसे कि मेरे। तो अब भाई ऐसे में क्या होगा, फिल्म मेकर्स करने वाले हैं फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज। अब वो कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म है? वो है बड़ा फेमस और बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ, वही जो आपके दिमाग में आया, यानी कि दोस्तों नेटफ्लिक्स। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर किया जाने वाला है फिल्म सूर्यवंशी को रिलीज। अब मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट, यानी कि थिएटर वाली रिलीज डेट जो कि है 13 अगस्त, इसके ठीक 28 दिन बाद फिल्म को कर दिया जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज। इससे फिल्म मेकर्स का बड़ा फायदा होने वाला है, उनको मिलने वाली है डबल ऑडियंस, यानी कि एक जो थिएटर में जाकर देखेगी और एक जो नेटफ्लिक्स और चिल कर घर पर बैठकर उस मूवी को देखेगी। ऐसे में इस फिल्म का चार्म भी बना रहेगा, यानी कि एक महीने से ज्यादा लोग इस फिल्म में इंटरेस्टेड रहने वाले हैं, जो कि अक्सर नहीं होता। अब आप बताइए कि आप कौन सी वाली ऑडियंस है, आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं या फिर थिएटर्स में जाकर बड़ी स्क्रीन पर बहुत सारी ऑडियंस के साथ फिल्म को देखना और फिल्म के हर एक सीन पर हूटिंग करना पसंद करते हैं? मेरे से पूछा जाए तो भाई मैं तो थिएटर्स में जाकर फिल्म को जरूर देखना चाहती हूँ, क्योंकि बिग स्क्रीन पर फिल्म को देखना, इतनी सारी ऑडियंस के साथ फिल्म को देखना और वहां पॉपकॉर्न और अपनी कोक एंजॉय करना, तो भाई इसका मजा तो कुछ अलग ही होता है। अब आप बताइए कमेंट कर कि आखिर आप इस फिल्म के लिए कहां जाने वाले हैं, अपने बेड पर या फिर सिनेमा हॉल्स में? तो दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और जाने से पहले कर दीजिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।